मुख्यमंत्री दो नावों की सवारी कर रहे हैं। गरीबों को जो जेल भेजा है इसका क्या होगा? शराबबंदी कानून के हम सब लोग पक्षधर हैं। कोई अमीर आदमी जो शराब का कारोबार पहले से, वो कभी पकड़े नहीं जाते। गरीब लोग जो इस काम, उनको पकड़ लिया जाता है। ने भी अब कहीं ना कहीं कमर कसने की कवायद तेज कर दी है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी समीक्षा पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उसके बाद से अब शराबबंदी की समीक्षा पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी थी, उसके बाद अब विपक्ष ने भी शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार समीक्षा की बातें कर रही है, दूसरी तरफ सरकार जिस तरीके के ढुलमुल रवैया अपना रही है उस पर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और राजद के विधायक ने सरकार पर हमला बोला है। भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। दोयम दर्जे की राजनीति का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो शराब के नाम पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी समीक्षा पर मुहर लगी और उसके बाद अब सदन के आठवें दिन यानी कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के आठवें दिन विपक्ष ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जो है वो दोयम दर्जे की राजनीति कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लाइव जुड़े हुए हैं। जरा एक बार उनके पास चलते और समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, एक तरफ नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये बातें कही गई है कि अब समीक्षा की जाएगी। हालांकि समीक्षा सख्ती को लेकर के कही गई है, क्योंकि होली में जिस तरीके से लगातार शराबियों का कारोबार बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बिगड़ती जाती है, उसको लेकर के सरकार ने समीक्षा की बातें कही हैं और इस कानून को सख्त करने की बातें कही गई है। तो दूसरी तरफ विपक्ष अब सदन में हंगामा करता हुआ दिखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं विधानसभा से सीधे लाइव। उत्कर्ष, समीक्षा बैठक को लेकर के जो बातें हुई, कहा यह गया कि शराबबंदी पर समीक्षा की जाएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष आज गंभीर आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार जो है वो दोयम दर्जे की राजनीति कर रही। उत्कर्ष बिल्कुल निर्भय, देखिए बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आठवां दिन है। बीते दिन की बात कर ले तो मुख्यमंत्री के कैबिनेट की बैठक हुई थी जहां पर 14 एजेंडे पर मुहर भी लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी कानून में संशोधन की बातें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर लोग पहली बार शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जाएगा बल्कि थाना से ही बेल मिल जाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो संशोधन में सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ड्रोन की बातें करते हैं, अत्याधुनिक तरीके से शराबबंदी कानून को सफल बनाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ दोनों नाव पे चढ़ने का काम भी कर रहे हैं। राजद के विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो नाव की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रसूखदारों को फायदा भी करा रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीबों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। निर्भय, लेकिन जिस तरीके की बातें कही गई है, सरकार ने यह कहा कि समीक्षा करेंगे, क्योंकि लगातार कोर्ट से भी सरकार पर दबाव बना कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसी समीक्षा करें ताकि हम जो आरोपी हैं जो जेल में है, क्योंकि आप भी बखूबी ये जानते हैं, कोर्ट ने कहा कि लगभग 14 से 16 ऐसे जज हैं जो सिर्फ इसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है उत्कर्ष कि अगर विपक्ष इस तरीके से दबाव बना रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल पाई उसमें यह कहा जा रहा है कि कानून को और सख्त किया जाएगा, तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है, तो क्या सरकार झुक जाएगी या सख्ती को लेकर के आगे भी बढ़ेगी? बिल्कुल निर्भय, देखिए 2016 में नीतीश कुमार ने पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में लागू कर दी थी। ऐसे में लगातार जो केसेस हैं शराबबंदी के, वो बिहार के कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं, उसका इजाफा होते जा रहा है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के 16 जज जो हैं, पटना हाईकोर्ट में कुल 43 जज हैं, 43 जजों का पद है, लेकिन वहाँ पर 16 जज जो हैं हाईकोर्ट जज, वो केवल शराबबंदी कानून से रिलेटेड जो FIR हैं उस पर या जो केसेस हैं उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है उस पर दबाव भी पड़ रहा है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी। और बीते दिन तो सरकार जो है वो अब इस पूरे मामले में समीक्षा करेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप भी अब शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार सदन से बाहर अब जिस तरीके की तस्वीरें दिखी है, विपक्ष हंगामा कर रहा है समीक्षा को लेकर। देखिए, शराबबंदी के कानून में संशोधन किया गया है, ये जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है।
लेकिन संशोधन का पूरा प्रारूप जो है जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उस पर बयान देना उचित नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उसका, ड्रोन से उसका पकड़ धकड़ होना चाहिए। हमको लगता है कि इनके मंत्रिमंडल और इनके एनडीए के विधायकों के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं और गरीबों को जो जेल भेजा है इसका क्या होगा। आप बंदी के ताल्लुक से तो हम लोगों ने अपनी बात रखी हमेशा कि शराब बंदी कानून के हम सब लोग पक्षधर हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस का प्रॉब्लम है और अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा तो उससे दिक्कत हो रही है। और कोई, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई अमीर आदमी जो शराब का कारोबार पहले से करता है उसका पता तो सरकार को है, वो कभी पकड़े नहीं जाते। शराब के धंधे में मलवस जो अकूत धन वाले लोग हैं, जो नीचे के लोगों को परेशान करते हैं, उनको पकड़ा नहीं गया। और गरीब लोग जो इस काम में हैं या लगा दिए जाते हैं या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको पकड़ लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप संशोधन लाते हैं कि भाई मजिस्ट्रेट ही उसकी बेल दे देगा।